चश्मा दे दीजिए पापा, चश्मा दे दीजिए, अरे पैसे चश्मा दे दीजिए, फोटो बनाने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, चश्मा ले लीजिए मुखिया जी, मामा चश्मा मेरे पास है, चश्मा अच्छा 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 आने दीजिए, हां हराने दीजिए ना वीडियो। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये त्रिस्तरीय निकाय प्रतिनिधियों के सम्मान सुरक्षा और समृद्धि के लिए हो रहा है। हम चाहेंगे बेगूसराय खगड़िया की आम आवाम तथा सभी जनप्रतिनिधियों का मैं समर्थन चाहता हूं, तभी ये परिवर्तन संभव होगा, क्योंकि 12 साल तक इनके साथ छल विश्वासघात किया गया है और आज ये हाशिए पे खड़े हैं। मैं चाहता हूं इनके उत्थान, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करूं। अब विधान परिषद में प्रथम सत्र में जो जो इनकी लंबित मांगे हैं उन्हें उठाकर, उन्हें पारित कर इन लोगों के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करूं। इन्हीं लोग कहते हैं कि इन्हीं के ये मांग को आप पूरा करेंगे या फिर अपना किनकी मांग? ये मेरी मांग है। क्या मांग है आपका? मेरा 5 संकल्प है। नीचा करो ना, वेतन सम्मानजनक वेतन 10,000 रुपया होना चाहिए, पेंशन का व्यवस्था होना चाहिए प्रतिनिधियों के लिए, उनके लिए मुआवजा का 10 लाख का प्रावधान होना चाहिए, सुरक्षा के लिए जो सबसे लंबित मामला है जो कि 12 साल में एक बार भी नहीं उठाया गया है वो मुद्दा मैं उठाऊंगा। और मैं खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई डॉक्टर संजीव कुमार जी परवत्ता के माननीय विधायक हैं, वो इस मुद्दा को उठा चुके हैं सदन में, उन्हीं के अथक प्रयास से आज सरकार इसको मान ली है और सभी लंबित प्रतिनिधियों के लाइसेंस के लिए आदेश जारी कर चुकी है। आपके छोटे भाई जो संजीव कुमार हैं वो तो जदयू के जन सेवा के लिए वो काम कर रहे हैं, सभी प्रतिनिधियों के लिए जो आज तक लंबित मामला था जो नहीं उठा पाए, उसी पार्टी के लिए सभी पार्टी और धर्म के लोगों, कार्यकर्ताओं, प्रतिनिधियों का सम्मान और समर्थन मिल रहा है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। विधायक जी।